हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैं कितना सारा फूल लेके आई हूँ कल के लिए, और ये मैंगो लीव्स भी लेके आई हूँ। देखिए कितने सारे फ्रूट लेके आई हूँ, कुछ तो अंदर है और कुछ यहाँ पे है। ये बेबी कोकोनट और ये पाइनएप्पल और ये ग्रेप्स और कोकोनट और मैंगो ऑरेंज और बनाना एप्पल, ये सारे अंदर हैं। और यहाँ पे थोड़े वहाँ पे थोड़े हैं, मैंने रखा नहीं है, लाऊंगी बाद में। और ये वाला सेटअप बनाया है यहाँ पे भगवान जी को बिठाने वाली हूँ। फुल वाला सेटअप इसीलिए लगाया था क्योंकि जंगल में ही माता सावित्री ने पूजा किया था, तो ऐसे ही मैंने बनाया था। तो सारा सामान यही रखा है मैंने कल के लिए। और ये रहा मेरा मेहंदी जो मैं अभी खुद बना रही थी मैं बैठ के, तो देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने राज के पापा के नाम भी लिखा है ऊपर दी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और बहुत शांत भी दिख रहा है। तो चलिए फटाफट काम फिनिश करके रेडी होके पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो सावित्री व्रत में ऐसा क्या हुआ जो मैं इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी पूजा नहीं कर पाई? उससे एक दिन पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी, फूल वगैरह सब कुछ ला के रख दिया था मैंने, थोड़े थोड़े वीडियो भी बनाया था मैंने। और सब कुछ तैयारी के बाद रात को मैं 2 बजे सोई, क्योंकि ना मेहंदी में करने मेहंदी क्या है मैंने मेहंदी खा देती हूँ पहले मेहंदी किया था मैंने मेहंदी करते करते थोड़ा टाइम हो गया था। उसके बाद ना मुझे लगा कि मेरा गला थोड़ा बैठने वाला है, मतलब मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी ना। देन उसके बाद फ्राइडे था तो मुझे गोल्ड वीडियो छोड़ना है, फ्राइडे में ओनली गोल्ड वीडियो छोड़ती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि गला बैठ जाएगा तो इतना अच्छा सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैं रात को ही एडिटिंग कर लेती हूँ, चाहे जितना भी लेट हो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सो जाऊँगी। फिर एडिटिंग करते करते ना रात के 2 बज गए। देन उसके बाद मैं सो गई, 4:30 बजे मैं उठी। 4:30 बजे उठ के सर धो के नहा के अपना सारा सामान मैंने इस वाले रूम में, छोटे वाले रूम में ले आई थी मैं, क्योंकि बड़े वाले रूम में राज के पापा, राज, रिद्धि सब सो रहे थे ना, इसीलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं उससे पहले वाले दिन मैंने सारा सामान निकाल लिया था। ठीक है, तो नहा धो के साड़ी पहन के तैयार, मैं पूरा सज धज के तैयार हो गई थी। मतलब ऐसा सीन हुआ ना, मैं पूरा तैयार होके आई, पूजा करने ही वाली थी, मतलब वहीं पे फोन मेरा चार्ज दिया हुआ था, मैंने देखा कि माँ ने कॉल किया है। माँ मतलब मेरी सासू माँ को माँ बुलाती हूँ, तो माँ ने कॉल किया है, इतनी जल्दी क्यों कॉल किया है माँ ने? तो फिर वो जानती है ना यहाँ की टाइमिंग थोड़ी अलग है, वो देर से ही कॉल करती है। और मैंने फ़ोन उठा लिया क्योंकि यहीं पे चार्ज पे पड़ा था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फिर माँ मुझे देख के बोली, तैयार हो गई हो पूजा करने के लिए? मैंने कहा हाँ, आज सावित्री पूजा है इसीलिए तैयार हो गई हूँ, और जल्दी भी उठ के मैंने नहा लिया है और सारा काम भी ख़त्म कर लिया है, पूजा करूँगी जस्ट। माँ बोलती है कि तुम्हारी देवरानी की बेटी हुई है, तुम पूजा नहीं कर सकती। अच्छी बात है, बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है, बट मैंने कल से तैयारी कर रखी थी कि मैं पूजा करूँगी, ये वो थोड़ा बहुत सेटअप भी कर रखा था मैंने, तो पूजा नहीं कर पाई। फिर माँ से मेरा दुख देखा नहीं गया, मैं माँ को बोलूँ माँ मुझे कल से बता देते, मैं रात भर मेहंदी कर रही हूँ, मैं सज धज रही हूँ, माँ बोल रही मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें पता ही नहीं है। फिर क्या हुआ ना, माँ बोलती है कि एक काम करो, ऐसा भी होता है नाखून काट के पूजा कर सकते हैं। उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया, वो बोल रही कि तुम नाखून काट के पूजा कर सकती हो, पूजा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। माँ ने कहा मैं कह रही हूँ ना, तुम करो पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर मैंने फ़ोन रखने के बाद ना राज के पापा को पूछा कि मैं पूजा करूँ क्या, माँ ऐसी बोल रही है पूजा करने के लिए। तो फिर एक बार ही ना नहीं सुना तो ठीक है, पर एक बार ही सुन लिया तो उसके बाद पूजा करना मन को शांति नहीं मिलता।
और फिर किसी और पूजा मतलब कुछ और होता तो सही होता, पर मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ और मन में कुछ गुड़गुड़ रह जाए तो वो पूजा किसी काम की नहीं है। तो राज के पापा ने मना भी किया है, उन्होंने कि नहीं पूजा मत करो, तो जिसके लिए मैं पूजा करूँ वो मना कर रहे हैं तो मैं क्यों पूजा करूँ, वैसे भी सही नहीं होता ना। तो मैंने पूजा नहीं की, नीचे जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं उनको दे दिया सारा सामान, और इनकी भी मेरे पास आने वाली थी पूजा के लिए तो मैंने उसको भी भेज दिया वहाँ पे। मैंने कहा तुम दोनों साथ में पूजा कर लो, मैं तो पूजा करने वाली हूँ नहीं और इतने सारे फूल का मैं क्या करूँगी, तुम सारे फूल ले जाओ। वो भी इतना फूल करेगी क्या, वो थोड़े से ही फूल ले गई है, और मेरा सामान भी मैंने वहाँ पर दे दिया है, पूजा कर लेंगे। आज 10 दिन, हम 10 दिन मनाते हैं, और ये जो बेबी गर्ल बर्थ हुई है ना, तो 10 दिन हम मानेंगे। 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद नाखून काट के 10 दिन में गंगा जल छिड़कूंगी पूरे घर में, देन हम पवित्र हो जाएंगे। तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। अच्छी बात है ना, बेबी गर्ल आई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और दुख भी थोड़ा हुआ कि मैं सारी तैयारी में लगी हुई थी और वो पूजा कर नहीं पाई, कोई नहीं। वो नन्ही के लिए, नन्ही सी परी के लिए कुछ नहीं। बस फोटो मुझे मिला नहीं, वरना मैं डाल देती। फोटो भेजा नहीं है उन्होंने, और जब भेजेंगे तो देखती हूँ। नंगू पंगू होगा तो नहीं छोड़ने वाली मैं। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे, बहुत सारा काम है। मैं थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाने वाली हूँ, और थोड़ा डोलू भी जाएंगे, थोड़ा काम है। तो चलिए सारा काम फिनिश कर लेते हैं आज। वैसे व्रत तो नहीं है मेरा, फ्रूट वगैरह खा लूँगी, कुछ और भी खा लूँगी बिना प्याज लहसुन का, कुछ खा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है? ओके, नाम क्या है? राज। ठीक है राज, ओके। बेटा ये बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है ये बच्चा नहीं बैठता, फिर दौड़ के भाग जाता है। वो भी ऐसे पता नहीं क्यों बैठा है, उसको अपने दांत से बहुत लगा हुआ है। अच्छी बात है, अभी से बच्चों को थोड़ा अभी एडजस्ट है। ओके राज, गुड जॉब, कीप सिटिंग ना ना पर शक्ति को था इडा बोलते तो किंडर चॉकलेट बोलते कौन है ना इडा तो गाइस अभी मैं लुलु में हूँ, देखिए मैंगो यहाँ पे कितने सारे मैंगो हैं, देखिए आ गया। तो इस वाले लाइन में पूरे 28 तरीके के मैंगो हैं, देखिए पूरे लाइन में ऊपर 14 और नीचे 14, पूरे 28 तरीके के मैंगो हैं। और देखिए बहुत ही तरीके के मैंगो हैं यहाँ पे, कच्चे वाले, पक्के वाले, लंबे, छोटे, मोटे, ऐसे वाले मैंगो हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंगो का पेड़ है और नीचे आम मैंगो गिरा है, पूरा आम का सीजन चल रहा है ना, पूरा मैंगो ही मैंगो है यहाँ पे देखिए। Yellow. Yeah, mama. And I'm down up.
सिपटो चुबा एक फोटो सिपटो चुबे ने बाबू है ना ए फोटो चुबा है ना सिपटो दांत तो आज ये लगा है ना। तो यहाँ पे हम अनार लाए थे और ये इंडियन अनार है, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, तो हम दो पेटी लेके आए हैं और बहुत ही मीठा भी है। तो आते ही हम इसके छिलके निकाल के ऐसे बीज निकाल के रख देंगे ताकि बाद में खाने में आसानी हो। तो अभी वही कर रहे हैं राज के पापा, मैं भी वही करने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ा काम शुरू कर देते हैं। तो अभी हो गया है शाम, तो हमारी जो पहली आज सावित्री बनी है हमारी रिंकी, तो वो आरती करने वाली है। और यहाँ पे इन लोगों ने पूजा किया था और मैं आई नहीं थी। और देखिए यहाँ पे शाम की आरती कर रही है रिंकी। देखिए कितने अच्छे से सजाया था मैंने और यहाँ सारा सामान पड़ा है और ये फूल भी सारा ख़राब हो गया है, इसमें फेंकने वाली हूँ। तो और फ्रूट जो था वो मैं घर पे लेके रख दिया है रसोई पे। अच्छा लग रहा था ये वाला सेटअप है ना, यहाँ भगवान जी में बिठाती, पहले तो कलर्स बिठता और बीच में मैं नारायण और लक्ष्मी माता की जो फ़ोटो है मेरे पास वो बिठाती, देन उसके बाद मैं तुलसी माता को बिठाती, इसीलिए ये मैंने सेटअप बनाया था। अब ये मैं छू भी नहीं सकती, इसे मुझे अंदर रखना है और परसों या रिंकी आएंगे तो बोल दूँगी ये अंदर रख देंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और न्यूली विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।